नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजार पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे गणित कक्षा 6 के अंतर्गत अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 6 विषय गणित अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। तो देखिए, आपकी जो मैथ्स की बुक है वो निकाल लेंगे, आप अपनी नोटबुक निकाल लेंगे और आप नोट करते चलें और उसे समझते चलें, क्योंकि मैथ्स में अपने को अधिकतर समझने पे फोकस करना है और उसका अभ्यास अपने को सेल्फ करना है। पेज नंबर 74 देखिए, लिखा हुआ है आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं, जिसमें ज्यामिति का एक लंबा और शानदार यानी बहुमूल्य इतिहास है। ज्यामिति शब्द यूनानी शब्द जियोमीट्रॉन का अंग्रेजी तुल्य है। जियो का अर्थ होता है भूमि और मीट्रॉन का अर्थ होता है मापना, यानी भूमि को मापना। मापने के जो अवधारणा है उससे जुड़ा हुआ हमारा ज्योमेट्री यानी ज्यामिति है। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन समय में ज्यामिति अवधारणाएं संभवतः कला, वास्तुकला या शिल्पकला और भूमि मापन की आवश्यकताओं के कारण विकसित हुई। इनमें वे अवसर भी सम्मिलित हैं जब खेतिहर की भूमि की परिसीमाओं को बिना किसी शिकायत की संभावना रखते हुए अंकित किया जाता था। वैभवपूर्ण राजभवनों, मंदिरों, जिलों, बांधों और नगरों के निर्माण कला और वास्तुकला या शिल्पकला ने इन अवधारणाओं को और उजागर किया, यानी इन सब में ज्यामिति अपने को काम में आई, यानी इसकी जो अवधारणा है वह हमने इसमें काम में ली। आजकल भी कला, मापन, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, कपड़ों की डिजाइन इत्यादि के रूप सभी रूपों में ज्यामिति अवधारणाओं का प्रभाव देखा जाता है, यानी इन सभी में भी ज्यामिति अवधारणाएं काम में ली जाती हैं। आप विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे बक्सा हो गया यानी पेटी, मेज, पुस्तक, अपने स्कूल में लंच ले जाने के लिए खाने के डिब्बे, गेंद जिससे आप खेलते हैं, इन सभी को आप देखते हैं, इनका हम प्रयोग भी करते हैं। इन सभी वस्तुओं के भिन्न भिन्न आकार यानी शेप होते हैं, सभी वस्तुओं के अलग अलग शेप होते हैं। जो रूलर आप प्रयोग करते हैं और पेंसिल जिससे आप लिखते हैं वे सीधी हैं। एक चूड़ी, एक रुपये का सिक्का, एक गेंद गोल प्रतीत होते हैं। हम ऐसे ही कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं बिंदु। देखिए, बिंदु के बारे में अपन जैसे कागज पर एक पेंसिल के नुकीले सिरे से एक चिन्ह अंकित करें, सिरा जितना नुकीला होगा चिन्ह उतना ही सूक्ष्म यानी छोटा होगा। लगभग एक बिना दिखाई देने वाला सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदु की अवधारणा का आभास कराएगा। बिंदु यानी एक स्थिति या अवस्थिति निर्धारित करता है, जैसे कि इस प्रकार से यह एक बिंदु हो गया। जैसे यह प्रकार का जो नुकीला सिरा होता है, पेंसिल का जो नुकीला सिरा होता है और एक सुई का जो नुकीला सिरा होता है, वह हमें एक बिंदु की अवधारणा बताता है। बिंदु किसी स्थिति को बताएगा, जैसे कि ये इसका नाम ए बिंदु, जैसे कि यहाँ ये बी बिंदु, यहाँ ये जैसे कि सी बिंदु। तो बिंदुओं के हम अलग अलग नाम लिखते हैं, अलग अलग नाम देते हैं। बिंदु निसंदेह बिल्कुल छोटे होने चाहिए, यह आपको ध्यान में रखना है। अब अगला है रेखाखंड। बिंदु के बाद आता है रेखाखंड। इनको आपको समझना है, ध्यान रखना है। जैसे बिंदु के बारे में बताएं तो क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है? एक कागज को मोड़ें और फिर खोलें तो जो आपको एक मोड़ दिखाई देता है वो होता है रेखाखंड, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। जैसे कि एक बक्स का किनारा, एक ट्यूबलाइट, एक पोस्ट गार्ड का किनारा, ये अपने को रेखाखंड के बारे में बताते हैं। जैसे कि दो बिंदु ए और बी हैं, इनको यदि हम मिला दें तो ये हो गया एक रेखाखंड, जिसके दो सिरे होते हैं, इसका माप फिक्स होगा तो ये रेखाखंड कहलाएगा। इस रेखाखंड को हम कैसे बताएंगे? जैसे कि ए बी लिख दिया और उस पर हमने इस प्रकार से बता दिया, यानी रेखाखंड ए बी, इस प्रकार से हम उसे रेखाखंड को दर्शाते हैं। क्लियर, ये भी समझ में आ गया, एक रेखा। अगला है रेखा।
रेखा में दो अंत बिंदु नहीं होते हैं, यानी रेखा एक दोनों तरफ तीर लगा हुआ होता है, जैसे कि ये दोनों तरफ तीर लगा दिया तो ये इस प्रकार से इसे हम नाम देते हैं रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब प्रतिच्छेदी नाम से ही पता चल रहा है, लिख लेते हैं हम प्रतिच्छेदी रेखाएं। रेखा तो है लेकिन कैसी? प्रतिच्छेदी, एक दूसरे में छेद करने वाली रेखाएं। यानी एक रेखा इस प्रकार से हो गई, एक रेखा इस प्रकार से हो गई, तो ये रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसके साथ में आता है समांतर रेखाएं। देखिए नाम से पता चल रहा है समांतर रेखाएं। आपने रेल की पटरी देखी होगी, बोर्ड के जो दोनों किनारे हैं ये हम देखते हैं, पुस्तक के दोनों साइड वाले जो किनारे हैं इनको अपन देखते हैं, टेबल के जो ऊपर वाले जो आमने सामने के किनारे हैं इनको अपन देखते हैं, तो ये हमें समांतर का अनुभव कराते हैं। यानी दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच में अंतर समान हो, जैसे यहां से इन दोनों की यहां की दूरी यहां मापे तो भी इनके बीच की दूरी क्या होगी? समान होगी, तो इन रेखाओं को क्या कहेंगे हम? समांतर रेखाएं। क्लियर हो गया? इसके बाद में किरण, ये आप सारों का आपको ध्यान रखना है, किसे क्या कहते हैं? किरण, आपने नाम सुना होगा, सूर्य की क्या होती है? रेखा होती है। सूर्य से क्या निकलती है? सूर्य से निकलती है सूर्य की किरण। तो कैसे निकलेगी वो? कहां से निकल रही है? सूर्य से निकल रही है, यानी प्रारंभिक बिंदु होगा और एक तरफ क्या हो जाएगा? तीर होगा, यानी एक तरफ तीर लगी हुई इस प्रकार की, जो एक प्रारंभिक बिंदु हो अंत बिंदु नहीं हो, तो इसे हम कहते हैं किरण। जैसे कि सूर्य से निकली हुई किरण, और किरण को जैसे कि इसका नाम कुछ दे दिया, जैसे कि ये ए और यहां पे हमने कोई बिंदु ले लिया पी, तो इसे बताएंगे किरण एपी। कैसे बताएंगे? एपी लिखा और ऊपर हम इस प्रकार से किरण का चिन्ह लगा देंगे, तो किरण एपी इस प्रकार से होगा। और हमने रेखा के बारे में समझा, तो रेखा को किस प्रकार से लगा दें? जैसे कि हमने रेखाखंड के लिए हम इस प्रकार का उपयोग लेते हैं, और यदि ये जैसे कि क्या हो गई? रेखा हो गई, इस पे दो बिंदु ले लिए एस और टी, तो इसे हम किस प्रकार से बताएंगे? एस टी लिखेंगे और दोनों तरफ तीर लगा देंगे, यानी ये रेखा को इस प्रकार से दर्शाएंगे, रेखाखंड को इस प्रकार से और किरण को हम इस प्रकार से दर्शाएंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जो आपके प्रश्नावली 4.1 है इसके सवालों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एक आकृति दी हुई है, इस पर हम थोड़ी डिस्कस चित्र बनाते हुए चर्चा करें। वैसे ये अब आपके अभ्यास के लिए हमने ये सारा सीख लिया कि बिंदु किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, समांतर रेखा किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, इनके बारे में हमने जाना। तो अब हम प्रश्नावली जो 4.1 है उसके कुछ सवालों पर भी हम फोकस कर लेते हैं, उनमें भी हम समझने का प्रयास कर लेते हैं। आपको क्या करना है कि मैथ्स में सवालों का अभ्यास करना है। तो विद्यार्थियों अब हम समझते हैं प्रश्नावली 4.1। इसमें पहला सवाल है, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। एक आकृति आपको बता रखी है, इस आकृति का आपको उपयोग करना है। एक रेखा इस प्रकार से खींची हुई है और यहां पे एक किरण इस प्रकार से है और यहां एक किरण इस प्रकार से है,
यहाँ पे नाम दिया हुआ है डी, यहाँ बिंदु है ई, और ये वाला बिंदु है ओ, यहाँ पे है बी और यहाँ है सी। अब इस आकृति को देखना है और इस आकृति से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ए वाला है इसमें पांच बिंदु, आपको पांच बिंदु बताने, देखिए एक दो तीन चार पांच बिंदु बता रहे हैं, तो हम डी ई ओ बी सी ये लिख सकते हैं, डी ई ओ बी और सी, ये पांच बिंदु हो गए। इस प्रकार से हम बिंदु दर्शा सकते हैं। एक रेखा, आपको एक रेखा बतानी है बी, बी वाले में आपको एक रेखा बतानी है, तो रेखा कौन सी बता दोगे, डी बी, डी बी ये वाली रेखा बता सकते हो, तो हम यहाँ डी बी लिखेंगे और ऊपर चिन्ह रेखा का लगाएंगे, रेखा डी बी हो गया। सी जो है, सी में बतानी है चार किरणें, कितनी किरणें बतानी है, चार, तो बता सकते हैं ये ओ सी, ओ बी और ये ओ डी, तीन किरणें हो गई, और इसका नाम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ हम बिंदु लगा सकते हैं ए, और हम इस प्रकार से उसमें बता सकते हैं कि ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी हो गया, ओ ए, ओ बी, ओ ए ये वाली, ओ बी ये वाली, ओ सी ये वाली, और इसके साथ में ओ डी ये वाली किरणें बतानी है, तो आपको चिन्ह ऊपर किरण का लगाना है, यानी एक तरफ आपको तीर लगाना है। क्लियर हो गया। डी ए पांच रेखाखंड, डी में आपको पांच रेखाखंड बताने हैं, यानी फिक्स लंबाई बतानी, जैसे एक दो तीन चार और पांच, इसे बता सकते हैं ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ ई, ओ डी या ई डी, जो भी हम बताना चाहे बता सकते हैं। देखिए ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ ई और ई डी, ऊपर रेखाखंड का चिन्ह लगाएंगे, तो ये हो गए पांच रेखाखंड। क्लियर हो गया, ये सवाल समझ में आ गया होगा आपको। आपको इस प्रकार से चिन्ह लगा करके जो पूछा गया है वह बताना है। सवाल नंबर दो, दूसरा देखिए, संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए, आप इन चार बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आकृति बनी हुई है, उसमें ए बी सी डी चार बिंदु हैं, ए बी सी और डी। अब आपको रेखा के सभी संभव प्रकार बताने हैं कि इस रेखा के कौन कौन से संभव प्रकार हैं, तो यहाँ देखिए हम इसे रेखा बता सकते हैं, रेखाखंड बता सकते हैं, किरण बता सकते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले रेखाखंड बताएं, तो रेखाखंड किसे बता सकते हैं, देखिए किसे बता सकते हैं, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ए सी, ए बी या बी सी, हम किसी प्रकार से बता सकते हैं, तो हम बता सकते हैं जैसे कि ए बी रेखाखंड बता देंगे, ए बी, एक तो हम ये काम रेखाखंड बता सकते हैं, और भी इसमें ए बी के अलावा बी सी, सी डी, ए सी, ए डी ये हम रेखाखंड बता सकते हैं, तो आप यहाँ ए बी, बी सी, सी डी, इसके अलावा ए डी, ए डी के अलावा ए सी, ए सी के अलावा बी डी, इस प्रकार से हम रेखाखंड बता सकते हैं। इसमें दूसरा हम इसमें रेखा बता सकते हैं, ए डी या कुछ भी आप बता सकते हैं, रेखा रेखा, वैसे इसमें आपने वो एक ही लिखना था, तो आपको रेखा बता सकते हैं ए डी, ए डी ये क्या हो गई, एक रेखा हो गई। आप किरण बता सकते हो, तो किरण देखिए यहाँ से सी डी बता सकते हैं,
इस तरह बता सकते हैं, बी ए बता सकते हैं, तो हम यहां किरण बताएंगे। किरण में हम क्या बता देंगे, जैसे कि ए से इस तरफ ए डी बता सकते हैं, हम यहां बी से बी डी बता सकते हैं, सी से सी डी बता सकते हैं, और एक तरफ हम यहां तीर लगा देंगे। बी से इधर बता सकते हैं बी ए, सी से सी ए बता सकते हैं, सी बी बता सकते हैं। तो हम इस प्रकार से किरण बता सकते हैं, रेखा बता सकते हैं, रेखाखंड बता सकते हैं। तो ये था आपके सवाल नंबर दूसरा, जिसमें हमने रेखा के विभिन्न प्रकार बताए। इसके बाद में अगला जो सवाल है, सवाल नंबर तीन, मैं इसको मिटा देता हूं। इसके बाद में हम सवाल नंबर तीन को समझते हैं। देखिए सारे सवाल अपने को समझ करके सोल्व करने हैं। हम ये तीसरा सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर तीन। संलग्न आकृति, एक आपको आकृति दी हुई है, इस प्रकार से आकृति दी हुई है, हम आकृति समझेंगे। ये इस प्रकार से आकृति बनी हुई है और उसमें नाम दिया हुआ है, यहां है बी, यहां है ए, यहां है सी, यहां पे है ओ, यहां पे डी, यहां पे ई और यहां पे एफ। ये अलग अलग बिंदु दिए हुए हैं। अब आपको इस आकृति के आधार पर जो अपने को प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के अपने को जवाब बताने हैं। इसमें ए वाला पूछा गया है, रेखाएं जिनमें बिंदु ई सम्मिलित है, ई बिंदु को सम्मिलित करना है और आपको रेखाओं के नाम बताने हैं। तो यहां ई से देखिए, ई एफ, ई ए, ये बता सकते हैं। तो यहां ई एफ, ई ए और रेखा बतानी है, यानी आपको इस प्रकार से चिन्ह लगाना है, रेखा ई एफ, रेखा ई ए, ई एफ ये वाली और ई ए ये वाली। बी है ए से होकर जाने वाली रेखा, बी जो हमारे से पूछा गया है, ए से होकर जाने वाली रेखा, यानी इससे जाने वाली रेखा कौन सी है, ए ई, तो हम नाम दे सकते हैं ए ई, ये रेखा ए से जाने वाली रेखा है। सी ए वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, ओ वाली रेखा कौन सी है, ओ सी ये वाली, तो यहां ओ सी और ऊपर रेखा का चिन्ह लगा देंगे। डी ए प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म, प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म, यानी युग्म यानी जोड़ा, एक तो प्रतिच्छेदी ये वाली है और ये वाली है, तो यहां ए ई और इसका नाम ओ सी या सी ओ, ए ई और या यहां तथा लिख दीजिए, ए तथा ए के साथ में सीओ, एक ये वाला जोड़ा हो गया प्रतिच्छेदी रेखाओं का, दूसरा हम ए और ई एफ, ए ई तथा ई एफ, तो ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यहां ऊपर रेखा का चिन्ह लगा सकते हैं। क्लियर हो गया, तो ये था सवाल नंबर तीन। अगला है चौथा सवाल, चौथे में निम्न से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ए वाला है एक बिंदु, तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, एक बिंदु से अनेक या अनंत, जैसे कि ये एक बिंदु लगा दिया, यहां से आप चाहे जितनी रेखाएं इधर 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 आप चाहे जितनी रेखाएं
खींच सकते हो एक बिंदु से, यानी अनंत हो जाएगा, यानी अनेक बहुत सारी। और इसमें ही बी दिया हुआ है, दो बिंदु से हम कितनी खींच सकते हैं, जैसे कि ये दो बिंदु हैं, तो इनसे हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, केवल एक रेखा खींच सकते हैं, कितनी, इससे एक। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से जो अगले जो सवाल हैं 5 और 6, ये दो सवाल आपके लिए भी हैं कि आप इन दो सवाल को आप भी सॉल्व जरूर करें, क्योंकि सारे सवाल यहां सॉल्व करवा दिए जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस किसकी करेंगे, तो प्रैक्टिस के लिए अपने को कुछ नए सवाल चाहिए। एक होता है कि अपने को सवाल सामने दिया हुआ है, उसको किसी ने सोल्व कर दिया, उसको हमने देखा और उसको हम वापस सोल्व करेंगे, तो उतना ज़्यादा अपने को इंटरेस्ट नहीं आएगा जितना यदि नए सवाल को अपन खुद सोल्व करें। कि जैसे कि हमारे सामने कोई नया सवाल या नया प्रश्न हो गया, तो उसे यदि हम सोल्व कर पाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट रहता है। तो ये बात आप भी ध्यान रखें, इसे आप भी समझें कि आप ये जो दो सवाल और बच रहे हैं इनको आप सेल्फ प्रैक्टिस करें, सेल्फ समझने का पूरा अभ्यास करें, उसमें आपके दिमाग का यूज़ होगा। बाकी जैसे जो मैंने बता दिए उसमें ज़्यादा अपने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत दिमाग लगाया और ये समझ में आ जाएंगे। लेकिन नए सवालों के सामने अपने को अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, और यदि खुद का दिमाग लगाएंगे तो हमारा दिमाग उसमें यूज़ होगा, उसको काम में लेंगे अपन दिमाग को, और दिमाग की जो एक्सरसाइज है वो अपनी हो पाएगी, और उसे सोच समझ के हम सॉल्व जरूर करें। तो विद्यार्थी उम्मीद करता हूँ कि आप ये इसे सॉल्व करेंगे। आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग को सब्सक्राइब करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस से आप जुड़े रहिए। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।